Assalamu alaikum. Today I'm going to talk about how to be a complete healthy. There are three major parts of a human body. Number one is your body, complete body. Number two is your brain. And number three is your immaterial part. What is the immaterial part of human body? That is your soul. Because इस रूह की वजह से ही आपकी ज़िंदगी है, तो इंसान की ज़िंदगी में रूह का बड़ा मेजर रोल है। रूह के बगैर ज़िंदगी ज़ीरो है। तो हम अपनी ये तीन जो मेजर मैंने पार्ट्स बताए हैं, इनको कैसे हेल्दी रख सकते हैं? अगर किसी इंसान की सिर्फ इनमें से एक चीज़ हेल्दी है, इसका मतलब वो कम्प्लीट हेल्दी नहीं है। तो अगर हमें कंप्लीट हेल्दी बनना है, तो हमें इन तीनों चीज़ों पे फोकस करना है। कुछ लोग सिर्फ फिज़िकली स्ट्रांग रहने के लिए बड़ी एक्सरसाइज करते हैं, तो वो फिज़िकली तो स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन बाकी की दो चीज़ें स्ट्रांग नहीं होती। तो कंप्लीट पैकेज कैसे आएगा, कंप्लीट हेल्दी पर्सन कैसे बनेंगे? नंबर वन, मैं आज आपसे ये शेयर करने जा रहा हूँ कि हमें कैसे एक कंप्लीट हेल्दी पर्सन बनना है। नंबर वन, आपको डेली बेसिस पे अपने लिए 40 मिनट्स टू 60 मिनट्स निकालने हैं एक्सरसाइज के लिए। अगर कोई इंसान डेली बेसिस पे, ये एक रिसर्च है कि 40 टू 60 मिनट्स एक्सरसाइज करता है, तो उसको डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़ता। कुछ लोग समझते हैं सिर्फ वही लोग एक्सरसाइज करें जो मोटापे का शिकार हैं, जो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हैं, ओवरवेटेड हैं। ऐसा नहीं है। जो स्मार्ट लोग हैं उनको भी एक्सरसाइज की उतनी ही ज़रूरत है जितने के दूसरे लोगों को। अगर आप ये एक्सरसाइज अपनी डेली बेसिस पे अपना मामूल बना लेते हैं, यू विल बी अ वेरी गुड हेल्दी पर्सन। लेकिन एक हिस्सा है अभी आपका हेल्दी हुआ है। सेकंड वन, योर ब्रेन। कैसे आपका ब्रेन हेल्दी होगा? ब्रेन को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वरना आप कम्प्लीटली हेल्दी नहीं हो सकते। जो लोग ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बुक रीडिंग करते हैं, अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए बेहतरीन टूल है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीडिंग करें। अगर आप बुक रीडिंग नहीं करते, तो आप हेल्दी पर्सन नहीं बन सकते। अब बुक रीडिंग मोस्टली आप देखें कि जो लोग बुक रीडर होते हैं, उनसे जो डिस्कस जब आप करते हो, तो उनकी लैंग्वेज, उनका डिस्कस करने का अंदाज़ ही डिफरेंट होता है। अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन करते हैं, तो वो बड़ा बेटर वे से आपको आंसर कर सकते हैं उसका। एंड द लास्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ, दैट इज़ योर सोल। अपनी सोल को कमज़ोर मत होने दें। अगर आपका खुदा के साथ, अगर आपका अल्लाह के साथ कनेक्शन बहुत कमज़ोर है, इसका मतलब ये है कि आपकी रूह कमज़ोर है। अगर आपकी रूह कमज़ोर है, इसका मतलब ये हुआ कि आप टोटली कंप्लीट हेल्दी पर्सन नहीं है। आप कब टोटली और कंप्लीट हेल्दी पर्सन बनेंगे? जब आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, जब आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा, जब आपकी रूह स्ट्रांग होगी। अगर आप अपनी रूह को स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो अपना कनेक्शन विद गॉड स्ट्रांग कर लें, तो आप यकीनन फिर अच्छा और कंप्लीट हेल्दी पर्सन बन सकते हैं। तो होपफुली आप लोग इन तीन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग ज़रूर करेंगे। अगर आप ये तीनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप अपने आप को एक हेल्दी पर्सन कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको सोचना होगा कि हाउ टू बी अ कंप्लीट हेल्दी पर्सन। ये आज का टिप आपको याद रखना होगा और आपने इस पे अमल करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।